चीज महाराष्ट्र में जाए तो एक औरत कहेगी कि मैं टाकलेली वही है, मतलब उसका सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाता है डिवोर्स के बाद। गुजरात में एडवांटेज वुमेन को मिलता है कि शी कैन ऑल्सो रीमैरी, वो इतने बुरी तरह से, तो इसीलिए हमारा जो राज्य है प्रोग्रेसिव है। और ये एक्सट्रीम्स में होता है, अगर आप देखें लोअर मिडिल इनकम ग्रुप और हाई मिडिल इनकम ग्रुप में ये वेरिएशंस आप ज़्यादा देखेंगे। मिडिल क्लास हमेशा ही रिजिड रहा है वैल्यूज में, कल्चर में, तो इसमें बदलाव जल्दी नहीं आते हैं, इसीलिए वो उसी लेवल में रहता है और ये वैल्यूज हम अपने घरों से लेके आते हैं। पर अगर किसी को छूट दी है और जो नियम हमने बनाए, जैसे इन्होंने कहा समाज के नियम किसने बनाए, हमने बनाए हैं, तो आज अगर समाज के हम बहुत कड़क हो जाएं तो टूट जाएंगे। तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जब आने लगती, जो इसी वजह से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाए पति से, तो उनका भी हक है कि वो एक बार जला हुआ होता है तो वो बोलते ना जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वो भी 10 बार सोचें कि हम फिर मैरिज ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाएं, वो इमोशनल हो जाते हैं। तो यहाँ फिर वो अगर वो लिव इन बाई चॉइस है तो मुझे उसमें कोई बुराई नहीं लगती। बहुत सही बताया कि हम हमारे घर से ही सीखते हैं और जब घर का माहौल हमें वैसा ही मिलता है तो ये सारी चीजें शायद हमें प्रभावित न भी करें, तो इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और फ्लेक्सिबिलिटी की बात जहां तक आती है तो फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी है, मगर हमारी संस्कृति, हमारे समाज, हमारी सोसाइटी को वो नुकसान न पहुंचाए तो शायद ज्यादा सही रहेगा। सुभाष जी आप क्या कहेंगे? टुडेज सर्कमस्टेंसेस काफी चेंजेस हुए हैं, यूथ को थोड़ा चांस मिलना चाहिए लाइफ को जीने का, ये सब देखने का है। वैवाहिक बंधन में क्या होता है कि आप एक बार बंध जाते हैं, फिर आपको उस टाइम में कोई इंट्रोडक्शन भी नहीं होता है, मालूम नहीं पड़ता है। सो मेनी पीपल दे आस्क यू द क्वेश्चन आल्सो, यू नो योर वाइफ इवन आफ्टर 20 ईयर आल्सो, दे से यू नो योर वाइफ आल्सो, द पर्सन इज वेरी कंफ्यूज आफ्टर 20 ईयर ऑफ मैरिज, आस्क हिम यू नो योर वाइफ, ही विल बी कंफ्यूज। यू कैन आस्क द सेम क्वेश्चन टू योर वाइफ आल्सो, यू नो योर हस्बैंड आल्सो, नो। बट वेन द लिविंग रिलेशनशिप इज देयर यू नो ईच अदर बेटर वे, मगर वो तो साथ में रहके भी हो सकता है, नहीं होता। उसका रीजन ये होता है, लिव इन रिलेशनशिप जो है वो एक प्यार और उसके विश्वास के ऊपर बंधा होता है, जबकि मैरिज के अंदर दे टेक इट एज ए ग्रांटेड, दे आर नॉट एंजॉइंग द रिलेशनशिप द वे द पर्सन शुड एंजॉय ऑल्सो। एक्चुअली लिव इन रिलेशनशिप से आप गायत्री जी आप देखिएगा उसको मिठास पैदा होती है। ये जो बंधन की बात है बहुत ऐसा कुछ नहीं है, आज यदि हम यंग एज की बात करते हैं, आज बोलते हैं कि मिसगाइडेड हो जाएंगे, कोई मिसगाइडेड होने वाली प्रजा ये यंग एज पीपल नहीं है। आप यदि बच्चों की बात करते हैं, आज 15-16 साल के बच्चे की बात करो या 18 साल के बच्चे की बात करो, उनको भी हमारे से ज्यादा नॉलेज है, उनको भी पता है कि क्या गलत है क्या सही है, हम उनके ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। मगर हजारों साल पुरानी हमारी जो संस्कृति है उसमें विवाह को ही सही माना जाता था। यदि हजारों साल से हम कुछ गलत करते जा रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसको हम सही नहीं कर सकते। यदि किसी इंडिविजुअल ने सुप्रीम कोर्ट में जाके इसके लिए रिट किया है और उन्होंने उसके बेच, सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह ने इसके बेंच के ऊपर उसका निर्णय लिया है, तो उन्होंने भी आगे पीछे हमारी संस्कृति को देखा होगा, इसका रिव्यू किया होगा, पब्लिक के ऊपर उसका क्या असर पड़ने वाला है, सभी चीज को स्टडी किया होगा। उन्होंने ऐसा तो उन्होंने कुछ जजमेंट नहीं दिया ना, कुछ सिचुएशन को लेकर या कुछ अनुभव लोगों के लेकर हम ये नहीं कह सकते ना कि ये विवाह जो हजारों साल पुराने संस्कृति हमारी है, हमारे देश में ही ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, वो गलत था। क्वेश्चन ये क्वेश्चन भारत का नहीं है, जब क्वेश्चन ये नहीं होता कि इससे कोई मैरिज के आपको इंस्टीट्यूट खत्म हो जाने वाला है, क्वेश्चन आपको एक ऑप्शन दिया गया, लिव इन रिलेशनशिप का ऑप्शन है कि आपको ये नहीं बोला कि आप शादी करो नहीं, बच्चे पैदा ही नहीं करो, दिस इज ऑप्शन। मगर आपको ये नहीं लगता ऑप्शन द पीपल, सुप्रीम कोर्ट इज गिविंग यू द ऑप्शन, यस यू कैन स्टे कम्फर्टेबली विद होम यू फील कम्फर्टेबल, यू डोंट फील ए गिल्टी। मगर जहाँ तक जैसे मैडम की बात से मैं बहुत सहमत हूँ, मैडम ने जो कहा कि जो सिचुएशन है, एक लड़की का वहां पर एडजस्टमेंट नहीं था जिसका दोबारा फूला, जिसे हम कहते हैं गुजरात में, वो सिचुएशन में बात अलग है कि वो अगर रहे, मगर ये तो ग्रांटेड ले लिया जाएगा जब इसे बहुत ज्यादा इस पर स्टैंप अगर मोहर लग गई है तो इसे, तो फिर छोटी छोटी बातों को लेकर भी लिव इन रिलेशनशिप में लोग चले जाएंगे, तो वो समाज फिर कहां जाएगा? जी मुझे बताइए कि आप इंडिया के बारे में, इतनी यहां पर 28 स्टेट है उसके बारे में हम कितना जानते हैं, 28 स्टेट में से 10 स्टेट ऐसी हैं जहां पर वुमेन्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द मैन आल्सो। यू गो टू द नागालैंड, मिजोरम, आसाम एंड दिस स्टेट आल्सो, पर्सन इज चिल्ड्रन आर नोन बाय देयर मदर नॉट बाय द फादर आल्सो। वट वी आर टॉकिंग टूडे आल्सो देयर द सिस्टम इज देयर, वेन द
पर्सन इज मैरिड व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न. सो मेनी स्टेट आर देयर वेयर दे कीप यू टूगेदर बिफोर द चिल्ड्रन आर नॉट बोर्न. इवन दे आर नॉट अलाउइंग देम टू मैरी देमसेल्फ ऑल्सो. दे स्टे इन द सेम हट ऑल्सो. वट वी टॉक इन द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑल्सो. इंडियन सोसाइटी इज नॉट ए दैट मच अ स्मॉल दिस थिंग ऑल्सो. दर्शकों, हम हमारे खास कार्यक्रम मुद्दों पर मंथन इसमें बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है शादी से पहले शारीरिक संबंध और लिव इन रिलेशनशिप अपराध नहीं है. इसी चर्चा को कल हम आगे बढ़ाएंगे. नमस्कार.